बड़े बड़े बल्लेबाजों को आपने डराया अपनी बॉल से, लेकिन आप किसकी बॉल से खुद डरते थे? देखिए, इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप डरें तो आप क्रिकेट नहीं खेल सकते। जो मुझे सबसे ज़्यादा तंग किया ना, शेन वॉर्न और मुरलीधर, ये दो ऐसे बॉलर थे कि वर्ल्ड क्लास बॉलर थे, तो इनको जब हम खेलते थे तो हम अपने आप पे प्राउड फील करते थे कि जी कि हमने इनको सर्वाइव किया। अरे वाह वाह, शेन वॉर्न तो आपको पता है कि जी जब आते थे, और द बॉल ऑफ द सेंचुरी का भी खिताब शेन वॉर्न को मिला है। जी जी जान जी, बहुत बड़े हिस्ट्री में ऐसे बॉलर कम ही आते हैं। मुरलीधरन भी इससे भी बेहतर थे, पर शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया होने की वजह से, अपने रंग की वजह से, अगर मुरलीधरन ऑस्ट्रेलिया में होता तो मैं समझता हूँ उससे डबल ज़्यादा इसको इज्जत मिलती। अच्छा, आपको लगता है कि ये फ़र्क है इतना? जी डेफिनेटली, कंट्री का फ़र्क होता है ना हर चीज़ का। अब मुरलीधरन श्रीलंका से बिलोंग करते, ऑस्ट्रेलिया रिचेस्ट कंट्री है, बिल्कुल तो इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ से, और वो क्रिकेट को बहुत ज़्यादा मतलब प्रमोट करते हैं। जी जैसे हम कहते हैं कि वसीम अकरम अगर इंडिया में होते तो हो सकता है इनके काफ़ी स्टैचू बन गए होते, तो अगर इंग्लैंड में होते तो वो भी बड़ा इनको सर का खिताब मिल जाता, तो इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ों से। बिल्कुल जी, बात तो सच्ची है। मेग्रा आपके सामने बॉल करा रहा था और आपने लगातार 5 चौके उसको मारे थे, उस टाइम पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल थे ठठा? आप देखिए, कैप्टन हमारे वसीम अकरम थे, उन्होंने कहा जा खुला खेलना है, तो जब आपको कैप्टन कह दे तो आगे मेग्रा हो या शेन वॉर्न हो तो फ़र्क को नहीं पड़ता, मेरिट पर खेले। अफसोस इस चीज़ का कि छठी बॉल मिस हो गई मुझसे, छठा भी चौका लग जाता तो बड़ा अच्छा होता। तभी मैग्रा पाकिस्तान आए हुए थे तो उन्होंने, किसी ने सवाल किया जी कि अब्दुर्रज़ाक, यू नो हिम, हिट 5 4s, कहता हाँ इट वाज ओके, जस्ट ओके। मेरे मेरे मिर्ची लगी। यजाक जी, अगर छठी बॉल मैग्रा वाली मैं करवाऊँ तो आप क्या छक्का मारेंगे या वेल लेफ्ट करेंगे? नहीं, पता है क्या है, बड़े प्यार से मैं सर पे बॉल खा लूँगा। देख लो सारे। नदा, आपने किंग्स कॉलेज लंदन से लॉ ग्रेजुएट किया हुआ है, आप प्रैक्टिस कर रही हैं? प्रैक्टिस कर रही थी, और जब बच्चे हो गए थे तो फिर मैंने छोड़ दी। अच्छा, यू वर अ प्रैक्टिसिंग लॉयर? या। ओके, मगर आर यू अ प्रैक्टिसिंग बॉक्सर स्टिल? आई एम ट्राइंग टू गेट रेडी फॉर द एशियन गेम्स नेक्स्ट ईयर। इस साल तो मुझे कॉमनवेल्थ में जाना था, बट देयर वाज अ लिटिल बिट ऑफ फ्रिक्शन, तो इस साल तो आई वाज अनएबल टू गो फॉर द कॉमनवेल्थ, व्हिच इज नेक्स्ट एंड ऑफ दिस मंथ एक्चुअली इन बर्मिंघम। अच्छा, बर्मिंघम आप जा रही थी? आई वाज, दे डिड सेलेक्ट मी आफ्टर द नेशनल्स। उन्होंने कहा था कि आपके सिर्फ एक स्पॉट है फीमेल के लिए, दे टेक 5 बॉक्सर्स। ओके, एंड आई आउटक्लास्ड ऑल ऑफ द अदर्स। तो उन्होंने कहा था कि जी आप जो है ना, आप कॉमनवेल्थ में हम आपको लेके जाएंगे। तो ये है कि मेरा जो कोच है, ही वाज नेशनल कोच एज वेल, तो उन्होंने लड़ लड़ के वो मेरा नाम डलवा के, मेरा नाम कभी निकालते डलवा के, उनकी पॉलिटिक्स वो चल रही थी ना फेडरेशन वालों की, तो इस वजह से आई कॉन्ट कम्पीट इन द कॉमनवेल्थ, विच इज़ ओके बिकॉज आई एम स्टार्टिंग माई ओन रेस्टोरेंट। यू आर? यस। क्या उसका नाम डिशुम तो नहीं?